हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके लिए धमाकेदार सरप्राइजेस लेके आया हूं, तो अंत तक सुनना, इसको आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज होगी। एक टीचर को सबसे ज्यादा प्राउड फीलिंग कब आती है? जब उसका स्टूडेंट उसके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा होगा। मुझे ये खुशी बहुत सालों से मिल रही है। सीए प्रसाद जावरे ऑलरेडी हमारे यहां पर एकत्वम एकेडमी में सिखा रहे हैं बहुत अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और लॉ के सब्जेक्ट्स कैंप ब्रांच में सिखा रहे हैं। अभी वो नवीपेट और प्रेस्टीज पॉइंट में भी सिखाने वाले हैं। ये तो खुशी मुझे पिछले कई सालों से ऑलरेडी मिल रही थी, लेकिन आज और एक खुशी का मौका आया है और एक स्टूडेंट एकत्वम एकेडमी में हमारे यहाँ पर सिखाने के लिए शुरुआत करने वाला है। आई वेलकम सीए प्रणव मांडके। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज अ CFA फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। उसने CFA के एग्जाम भी पास किए हुए हैं और मैंने उसको CPT से लेके फाइनल तक देखा हुआ है, तो जो कैलिबर है, जो पोटेंशियल है, वो सब देखा हुआ है। ऑलरेडी आपके इन्फॉर्मेशन के लिए उसने एक बार CPT के बच्चों को सिखाया भी है, जब CPT पैटर्न था पुराने टाइम पे। तो मैथ्स सब्जेक्ट के लिए 11वीं 12वीं और फाउंडेशन मैथमेटिक्स एट कैंप ब्रांच प्रणव सिखाने वाले हैं, और वो इसके साथ साथ 11वीं 12वीं का CBSE के लिए भी सिखाने वाले हैं। तो चलिए आइए आज मिलते हैं प्रणव को, जो कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ काम करने वाले हैं। तो बच्चों आइए मिलते हैं सीए प्रणव मांडके से। थैंक यू अभिषेक सर। प्रणव, ये कॉमर्स के प्रोफेशन के अंदर 11वीं 12वीं हो या सीए हो या कोई भी हो, बच्चों को मैथ्स इतना जरूरी है क्या? नॉर्मली जो बच्चा कॉमर्स में आता है वो सोचता है यार मेरे लिए मैथ्स तो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप बता सकते हैं इनको? यस सर, डेफिनेटली। जैसे मैंने आपसे ही सीखा है और GB जोशी सर से सीखा हुआ है, मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट्स है जो 11, 12 में जो सिखाते हैं हम लोग, उनके CA फाइनल तक, CFA लेवल 3 तक, या बेसिकली पूरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में बहुत काम में आते हैं। देर आर सम कॉन्सेप्ट्स विच आर सो इम्पॉर्टेंट दैट दे शुड बी पार्ट ऑफ योर DNA। तो वो कॉन्सेप्ट्स अगर 11, 12 में या CA फाउंडेशन में ही अगर पक्के हो गए, उसके ऊपर आपको आपकी कॉमर्स की पूरी कॉमर्स का पूरा करियर बिल्ड करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। मैं खुद वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ, तो आई हैव सीन कि रियली सारे कॉन्सेप्ट्स का क्या एप्लीकेशन हो जाता है। गुड। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, प्रणव साइंस बैकग्राउंड से है, तो उसने 11वीं 12वीं में साइंस का मैथ्स भी पढ़ चुका है। प्रणव जरा बोलोगे उनको उसके बारे में? हाँ, तो इट इज नॉट हिडन कि जहाँ पे कॉमर्स का मैथ्स खत्म होता है वहाँ से साइंस का मैथ्स शुरू होता है, तो मैं सीख चुका हूँ वो, इसलिए आई कैन टीच द कॉन्सेप्ट्स इन अ बेटर वे, आई थिंक। तो बच्चों ये सारे बैचेस के लिए आप वेट करना, नीचे गए दिए हुए गूगल फॉर्म में आपके इंक्वायरी के डिटेल्स देना, पूरे के पूरे बैचेस के डिटेल्स हम जल्दी ही आपके साथ शेयर कर देंगे। नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म भरिए। थैंक यू, सी यू सून, ऑल द बेस्ट। सर अपना टैगलाइन तो भूल ही गए। अरे हाँ, कॉमर्स के लिए हमेशा प्रथम एकत्वम।